कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया। मोदी हुकूमत को अकलियतों बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत, उन मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र पौटा साई कलाम सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका शुक्रिया। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने चार बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, खवातीन नहीं है? वतन अजीज में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा नाख्वानगी मुस्लिम खवातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा विज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख ईसाई ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैं मैडम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई, 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट अकलियतों के ताल्लुक से। तालीम के उस अकलियती स्कॉलरशिप मैडम अकलियतों के गरीब तुलबा और तालबात को जियाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अकलियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूँ कि डिमांड ड्रिवन करो, डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की ज़रूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 2008 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मैडम कुंडू कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पर होता है, तो हुकूमत ने 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पैसे दे रही है। NDMC की इक्विटी मैडम 800 करोड़ एक मजाक है। PMGAV के में 910 करोड़ दिए गए। सारी दुनिया जानती है कि जहाँ मुसलमान बसता है गाँव में शहर में वो अंडर डेवलप एरिया है, और आप मजाक करें ऊँट के मुँह में जीरा देकर। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उसे ख़त्म किया जाए और CBI से इंक्वायरी करवाई जाए। मोदी हुकूमत को अकलियतों बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे? मैडम पूरी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चों का जिक्र नहीं है। आज हमारे देश में 67 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं, 46 मिलियन बच्चे स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, 25 मिलियन बच्चे वेस्टेड हैं। मासूम बच्चों की यह बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मैडम वॉज डिक्रीज फ्रॉम 20% to 12.5%। However, the indexation benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001. This will be detrimental to the growth of real estate, limit household capital formation and impact employment generation construction sector. This change in LTCG is a quasi wealth tax on household, particularly the middle class. Internship program madam, 5 saal mein aap 1 crore logon ko intern karayenge, yani ek company ko 4000 logon ko train karna padega. मुझे बताइए क्या ये बड़ी कंपनी का माने क्या है? इट इज अनअचीवेबल। विल इट बी बेस्ड ऑन मार्केट कैप, रेवेन्यू, एम्प्लॉय साइज? मे बी
Prime Minister Modi is saying to Agnivir to do internship after 4 years of service in armed forces. Madam, 21 million people have given up all hope and stopped looking for jobs. This brings down to 9% eligible population that is either employed or they are looking for jobs. Maybe Finance Minister can introduce a berozgar tax and tax unemployed as well. No significant increase for social welfare, healthcare. It looks like Prime Minister Modi is saying, "Desh ki middle class ki sampati par pehla haq hamare allies ka hai." In real terms, when adjusted to inflation, the allocation of health ABPMJ has declined. Modi is saying he said he'll in India during G20. The reality is India is hurting. Madam, this government wants to increase FDI from China. Is the Prime Minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling points out of 65 in Ladakh? Maybe the Prime Minister wants the Chinese monopoly in Indian markets. Import from China have crossed 101 billion in 2024. Prime Minister Modi says, "Khelo India," but in reality, the budget has shown that Modi government policy is "Jhelo India." Gharib, middle class, farming, city dwellers, men and women, sab Modi ko jhel rahe hain. Madam, in the current financial year, in February 5th, 15,993 MSMEs have been closed. Total MSMEs closed have 35,680. Andhra Pradesh bifurcation. This parliament passed a law. For last 10 years, Modi government has shown their intellectual dishonesty in not giving ITR, IIM, Bayaram Steel Factory, Railway Corridor, Hazipet, recognition of Palmaru as National Strategic Project. This shows intellectual dishonesty of this government. Madam, I end my speech by quoting a famous poet, and I'm amending certain verses. 133 crore insano, zindagi se begano, sirf hukumrano ne haq tumhara chheena hai. खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है. बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं. सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं. 133 करोड़ इंसानों कब तक ये खामोशी. चलते फिरते जिंदानों गरीब ख्वातीन नौजवानों किसानों से रोने की सदाएं आती हैं. जब शबाब पर आकर खेत लहलाता है किसके नयन रोते हैं. कौन मुस्कुराता है. काश तुम भी समझो काश तुम भी जानो. किस कदर भयानक है जुल्म का ये ढब देखो. रख से आतिश व आहन देखते ही जाओगे होश में ना आओगे. और अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे हैं तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो. जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो. चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो. इस खुली झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता. शुक्रिया मैडम.